Hey my lovies, welcome back to the channel. My name is Sanjana and welcome back to another Nykaa haul. I love you guys so much यार, आप बहुत ज्यादा प्यार देते हो और जितना भी देते हो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इनफ है. छोटा सा मेरा हॉल है, ज्यादा कुछ मैंने परचेज नहीं किया है. जो भी परचेज किया है मेरे लिए बहुत स्पेशल है और आई होप कि आपको ये हॉल पसंद आएगा. अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल बटन के साथ, ताकि आप मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशन मिस ना कर सको. सो विदाउट मच फर्दर बकवास, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइस, ये मेरे सारे जो प्रोडक्ट के पैकेजिंग है नायका का. मुझे एक बात बहुत पसंद आता है, वो सारे सिंगल भी प्रोडक्ट होता है ना, वो पैक करके अलग से भेजते हैं, बट मुझे वो थोड़ा वेट करना पड़ता है सारे प्रोडक्ट रिसीव करने के लिए. और सबको ये करना पड़ता होगा क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट एक ही बार में नहीं भेजते हैं, अलग अलग भेजते हैं अलग अलग पैकेजिंग के साथ, जो कि बहुत अच्छे आपके प्रोडक्ट सिक्योर होकर रहते, कभी यू नो ब्रोकन या फिर आपको ऐसे टूटा फूटा नहीं मिलता है. तो ये बहुत ही अच्छा है, तो एक एक करके मैं इसको पहले निकाल लेती हूँ. तो गाइस, और एक स्पेशल इस हॉल के बारे में ये है कि मैंने सारे प्रोडक्ट जो है ना, कुछ मैंने मिनी वर्जन में परचेज किए हैं. और मिनी वर्जन में इसलिए परचेज किए हैं कि क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं करा है. अगर मुझे सूट किया तो मैं उनका यू नो फुल साइज परचेज करूँगी इन फ्यूचर फॉर श्योर. और कुछ प्रोडक्ट मैंने कुछ रिकमेंडेशन में भी परचेज किए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे तीन कॉम्बो में मिल रहा था वो है स्किन केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने परचेज किए हैं. फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है ये है लॉरियल पैरिस का हाइलुरोनिक एसिड सीरम. तो ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा इन्फ्लुएंसर इसको यूज़ कर रहे हैं एंड इसका अमेजिंग रिजल्ट मिल रहा है. एंड मैंने किसके रिकमेंडेशन से मैंने परचेज किया है, वो है मेरे फेवरेट यूट्यूबर साइना श्रेष्ठा. और उन्होंने अपने स्टोरी पे एक बार अपलोड किया हुआ था इस सीरम के बारे में एंड ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है. उन्होंने आफ्टर बिफोर पिक्चर अपलोड किया था, मैं देख के एकदम शॉक हो गई थी. ये वाला मुझे ट्राई करना था, तो इसलिए मैंने इसका मिनी वर्जन परचेज किया है और मैं देखना चाह रही थी कि ये मेरे स्किन पर कैसा वर्क करेगा. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दिस सीरम. तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा छोटू सा ये 15 ml का है. पैकेजिंग बहुत ही प्यारा है, अगर मुझे सूट किया अच्छा लगा तो मैं इसका एक फुल वाला भी लूंगी. तो ये पैकेजिंग तो मैं आपको बॉटल दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा सा छोटू सा बॉटल है एंड आई जस्ट लव दिस यार, बहुत ही प्यारा है. एंड या मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इसको यूज़ करने के बाद कि ये कैसा काम करता है. एंड या दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई परचेज फ्रॉम नायका. सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया इस बार मैंने सारे मिनी वर्जन में परचेज किए हैं, बट अभी जो तीन प्रोडक्ट मैं दिखाने वाली हूँ ना, ये मुझे कॉम्बो में मिल रहा था एंड इसका जो एक प्रोडक्ट फुल है और दोनों मिनी वर्जन में है. तो मैं फर्स्ट दिखा देती हूँ मैंने क्या परचेज किया है. ये स्किन केयर का प्रोडक्ट है एंड आई लव दिस ब्रांड. इनका मैं बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज़ कर चुकी हूँ लाइक फेस वॉश एंड सनस्क्रीन्स. तो ये मेरा जो प्रोडक्ट मैं दिखाने वाली हूँ अभी ना, ये मेरा बस ड्रीम था, मतलब मेरे लिए ड्रीम था यार, मतलब मैं बहुत दिनों से परचेज करना चाह रही थी. ये है हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल प्रीबायोटिक प्लस हाइलुरोनिक एसिड वाला मॉइस्चराइजर. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. इसका मैंने देख रखा है, इसका रिव्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम करता है. तो गाइस, ये 15 ग्राम्स का है क्योंकि ये मिनी वर्जन है. ऐसे है इसका आउटर पैकेजिंग और अंदर आपको मैं दिखा देती हूँ इसका छोटू सा इसका टब. कितना प्यारा है यार, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. एंड ये मिनी वर्जन है इसका, फुल वर्जन में मैं बहुत ही जल्दी परचेज करूँगी. एंड लुक एट दिस क्यूट लिटिल टॉप यार, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. एंड इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हो. एंड आई लव द कलर यार, बहुत ही प्यारा है. मैंने जब आया ना, मैं एक बार लगा भी चुकी हूँ, मुझे इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रहा था कि मैं अप्लाई करूँ, यूज़ करूँ दिस प्रोडक्ट. सो या दिस इज़ माई फर्स्ट न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल. सो या दिस वन इज माई स्किन केयर प्रोडक्ट. सो गाइस, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है और ये है न्यूट्रीजिना का अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सन ब्लॉक विथ SPF 50+. तो इस सनस्क्रीन के बारे में मुझे कुछ बताना नहीं है, आपको पता ही होगा दिस इज द बेस्ट सनस्क्रीन फॉर योर फेस. तो गाइस, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने स्विस प्यूरी का स्प्रे वाला जो सनस्क्रीन है उसका रिव्यू किया था और उसमें मैंने बताया था कि आप फेस के लिए कुछ दूसरा वाला सनस्क्रीन लगा सकते हो. तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, दिस वन इज द बेस्ट सनस्क्रीन एंड ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है. एंड लेट मी शो यू, ये व्हाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं देता, जो कि मैं उसमें बताई थी कि व्हाइट कास्ट जो देता है ना, वो आप फेस में मत लगाओ, बट ये वाला बिल्कुल नहीं देता है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको यूज कर चुकी हूँ. तो ये मेरा सेकेंड परचेज है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ लगा के. तो
आई लव द स्मेल एंड ये बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं कराता है। अगर आप ये मेकअप के नीचे लगाओगे ना, आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ अप्लाई किया है सनस्क्रीन वगैरह। दिस इज सो सो स्मूथ एंड बहुत ही जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है स्किन पे। सो आप देख सकते हो बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता है। तो अगर फेस के लिए कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हो ना सनस्क्रीन, तो आप ये वाला ही लीजिए। दिस वन द बेस्ट सनस्क्रीन। सो यार, गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है ये न्यूली लॉन्च्ड है और मैंने टीवी में इसका एड बहुत ज़्यादा देख रखा है एंड मुझे लगा कि यार चलो परचेज कर लेते हैं और मेरा रिव्यू भी इसके ऊपर दे दूंगी। आपने देखा ही होगा इसका एड, ये है लास्ट शील्ड एक्सपर्ट अर्बन प्रोटेक्ट सनस्क्रीन और ये अल्कोहल एंड पैराबेन फ्री है, वाटर रेजिस्टेंट है एंड ये क्लिनिकली टेस्टेड है। इसका रिव्यू पर्टिकुलरली बनाऊंगी। अगर आप चाहते हो मैं बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। तो ये इसका पैकेजिंग इस तरीके का है। तो ये है गाइस इसका पैकेजिंग, तो देख लिया, मैं आपको अंदर दिखा भी देती हूँ। इसका ट्यूब भी बहुत ही अच्छा है, येलो एंड ब्लू कॉम्बिनेशन का बहुत ही वाइब्रेंट कलर है, आई कैची लगता है। सो दिस इज द ट्यूब एंड अभी मैं इसका टेक्सचर नहीं दिखाऊंगी और मैं सोचूंगी इसका फुल वीडियो बनाऊं इसके ऊपर रिव्यू का, तभी मैं दिखाऊंगी। तो या दिस इज माय प्रोडक्ट। सो गाइस जैसे कि मैंने बताया कि ड्यूरोजेना का मैंने 3 कॉम्बो लिया हुआ था, तो इसमें एक फुल प्रोडक्ट है। तो ये है वो फुल प्रोडक्ट, ये है ड्यूरोजेना का ऑयल फ्री एक्ने फेस वॉश। इसका मैंने मिनी वर्जन यूज कर रखा है एंड आई लव दिस फेस वॉश। और ये एक्ने को सच में ऑयल कंट्रोल तो करता है और एक्ने भी नहीं होता आपके फेस में एंड बहुत ज़्यादा फोमिंग फेस वॉश है, तो आपको बहुत ही अच्छा से आपके फेस को क्लीन कर देता है। एंड इसका मैंने कभी फुल वर्जन परचेज करूँगी नहीं सोचा था, बट मुझे कॉमन मिल रहा था, मैंने सोचा इसको परचेज कर लूँ। तो अगर आप एक बहुत ही अच्छा फोमिंग फेस वॉश ढूंढ रहे हो जो आपके ऑयल को भी कंट्रोल करे एंड एक्ने को भी दूर करे, तो आई हाईली रिकमेंड टू यू गाइज, दिस इज द बेस्ट फेस वॉश आई एवर यूज एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो या दिस इज माई थर्ड प्रोडक्ट और ये कॉम्बो में ये मेरा थर्ड प्रोडक्ट एंड फुल प्रोडक्ट है। सो या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ टाइम फॉर ओपनिंग दिस ब्यूटिफुल पैकेजिंग फ्रॉम नायका लग्जरी स्टोर। तो गाइस नायका पे अगर कोई भी लग्जरी स्टोर से परचेज करते हो ना, इस तरीके के पैकेजिंग में आता है मैट कलर का ब्लैक बॉक्स में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मुझे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर ये जो मैट वाला बॉक्स। और फाइनली मैंने कुछ लग्जरी स्टोर से परचेज किया विथ माई ओन मनी, थैंक यू सो मच गाइस। एंड चलिए ओपन करते हैं एंड मैं आपको हिंट देती हूँ कि ये क्या हो सकता है। तो मैंने लिपस्टिक परचेज किया है, ये फर्स्ट हिंट है और ये मेरे फेवरेट ब्यूटी इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड है। दो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हैं जो दोनों ही नायका में उनका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो दोनों में से कौन है आप गैस करो। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। और तो ओपन करते ही फर्स्ट आपको मिल जाता है ये थैंक यू वाला कार्ड, ये भी मैट ब्लैक कलर का है जो कि बहुत ही अच्छा है। तो चलिए मैं आपका जो सस्पेंस है तोड़ देती हूँ। तो मैंने परचेज किया है स्मैश बॉक्स एक्स मालविका सिटलानी का ये लिपस्टिक सेट और ये मिनी वर्जन में है गाइस। एंड या फाइनली आई बॉट दिस, मैं बहुत दिनों से परचेज करना चाह रही थी क्योंकि इसके ये जो कलेक्शन के न्यू शेड है ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बॉम है। तो गाइस अंदर अगेन एक पैकेजिंग है पेपर का, ब्लैक पेपर का एंड इसमें मेरे लिपस्टिक रैप किए गए हैं। सो दिस वन द शेड्स, द शेड नेम ड्राइवर सीट एंड दिस इज बेब अलर्ट। इसका स्वॉच में दिखाऊंगी, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो कर लो। सो दिस इज द लिपस्टिक्स एंड फाइनली आई बॉट दिस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस। गाइस नायका में परचेज करो और आपको फ्री ना मिले, तो इसके साथ मुझे लिपस्टिक के साथ मुझे मिला है ये स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमराइजर। ये प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर तो इसलिए प्राइमराइजर है, तो ये मुझे एक सैम्पल टाइप का मिला है विथ माई स्मैश बॉक्स लिपस्टिक्स। तो या दिस इज माई फ्रीबी। सो गाइस ये था मेरा छोटू सा बहुत ही हैप्पी वाला हॉल एंड आई होप कि आपको ये हॉल पसंद आया होगा। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप परचेज कर सकते हो। एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा और नीचे लिंक है, क्लिक करके फॉलो कर लो। एंड या गाइस आई विल बी बैक विथ अनदर एक्साइटिंग हॉल वीडियो मेकअप, जो भी होगा नेक्स्ट में ज़रूर आऊँगी आपके लिए। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, कमेंट करना मत भूलना एंड बेल बटन प्रेस करना मत भूलना।
तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे गॉर्जियस, बाय एंड आई लव यू।